नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं झटपट से बनने वाली मटर पनीर की रेसिपी लाई हूँ इस मसाले के पैकेट के साथ। ये मसाला देखिए, देख सकते हैं, इसका नाम मटर पनीर मिक्स मसाला है। ये मसाला बहुत ही सुहाना का, ये वाला मसाला आप एक बार ला करके इसको बना के देखिएगा, बहुत ही झटपट बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे बहुत पसंद आया तो इसलिए मैं आप सबके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। और ये मटर जो है ना, ये देख सकते हैं, ये फ्रोजन मटर है। अब पास ताज़ा मटर है तो उसको थोड़ा सा पहले भून के रख लीजिए या बॉयल कर लीजिए, जैसे भी, और इसके साथ भी थोड़ा सा पक जाएगा। ऐसे भी कच्चा भी यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ देखिए तेल डाल दी हूँ मैं, और ये टमाटर दिखाई थी 4-5 पहले, उसको पेस्ट बना करके रख ली हूँ। और थोड़ा जीरा डाल करके, थोड़ा हींग और जीरा डाल के बस ये टमाटर को इसमें डाल देना है। और कोई भी मसाला इसमें नहीं पड़ेगा पीस करके, जैसे कि अदरक लहसुन प्याज वगैरह, ये सब कोई मसाला नहीं तैयार करना है। बस टमाटर का, आपको प्यूरी है तो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कच्चा टमाटर ली हूँ जिसको पीस ली हूँ यहाँ पे मिक्सी के जार में, बस सिंपल सा। और यहाँ देखिए, ये टमाटर को अच्छे से हाई फ्लेम में ही पकाना है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा कलर आएगा। इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा है, देख सकते हैं, केवल टमाटर है। और कितना बढ़िया कलर दिख रहा है ना इसका, तो अच्छा लाल लाल टमाटर लेना है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मसाला अच्छे से, मतलब टमाटर अच्छे से भून गया है यहाँ पर, देख सकते हैं, केवल टमाटर और बढ़िया भून के यहाँ पर तैयार हो गया है। उसके बाद ही इसमें डाल देंगे बाकी जो है सो। तो यहाँ देखिए, ये है गर्म पानी, हमेशा इसमें गर्म पानी ही डालना है, कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना है। तो इसमें मैं गर्म करके रखी थी वो डाली। और ये मसाला मिक्स जो है, एक पैकेट है, ये 1/2 kg तक के लिए है बनाने के लिए। 300-400 ग्राम तक मटर और 200-300 ग्राम पनीर ऐसे लेकर के दोनों मिक्स करके आप इसको बनाना है। इसके लिए परफेक्ट है ये मसाला, 100 ग्राम का पैकेट था ये मसाले का। और ये देख सकते हैं, मटर जो था उसको मैं इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके मटर इसको डाल दी हूँ इसमें। और साथ में थोड़ा सा हल्का सा बॉयल आया है, देखिए ढक दिया है 2-4 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये दबा के देख रहे हैं पका है कि नहीं, उल्टा साइड से हो गया था तो यहाँ देख लिए हैं थोड़ा सा पक गया है। उसके बाद यहाँ पनीर को गर्म पानी में डाल के रखे थे, पैकेट वाला पनीर है जो मार्केट से आता है वही पनीर, तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल करके इसको रख दिए हैं ताकि अच्छा सॉफ्ट रहे इसको हमेशा। और यहाँ देखिए, इसको ऐसे निकाल लेंगे आराम से। आप चाहे तो फ्राई करके भी पनीर ले सकते हैं, मैं कच्चा ही पनीर यहाँ पे ले रही हूँ। इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दी थी मैं और सॉफ्ट होने के लिए। और यहाँ देखिए, इसमें डाल दिए हैं, अब इसके साथ थोड़ी देर पकाएंगे। और ये झटपट वाली पनीर जो है ना, इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब बनती है इस मसाले के साथ, ख़ासतौर से इस मसाले के साथ। आप एक बार देखिएगा बना करके, कोई भी मेहमान आ गए तो झटपट से ये बन जाएगा। ग्रेवी कितना थिक रखना है उस हिसाब से यहाँ पे इसमें गर्म पानी ही ऐड कर देंगे। तो बस हो गया है इतना ही पर, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके देख रहे हैं कि कितना, मतलब कि इसमें चाहिए ग्रेवी, तो ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें पक ही चुका है। थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट इसको ढक दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बाहर तेल जो है छोड़ दिया है, मीडियम गैस पे यहाँ पे रखे थे लो में, थोड़ा सा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए बस। तो यहाँ देखिए दबा के देख रहे हैं, मटर अच्छे से पका हुआ है और ये भी मिक्स हो गया है। कितना यम्मी दिख रहा है ना, जितना यम्मी दिख रहा है उतना ही है, उससे भी कहीं ज़्यादा यम्मी है खाने में बना है। तो ऊपर से अब धनिया थोड़ा सा इसमें डाल दे रहे हैं, देख सकते हैं, तो ऊपर से अब धनिया डाल दे रहे हैं। यहाँ देखिए धनिया डाल दिए, और ये इसका कलर देख सकते हैं कितना यम्मी है। पूरी थाली हमारी तैयार हो गई है, तो लीजिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और ज़रूर इस मसाले के साथ एक बार बना के देखिएगा। तो ये रायता बना के रखी हूँ मैं यहाँ पे, खीरे का, बूंदी का नहीं, खीरे का, और साथ में ये चावल है और ये पनीर है। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। इस तरह से नई नई रेसिपी और ब्लॉग सब लेकर के मैं आते रहूँगी। और पसंद आ गया है रेसिपी तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ इस तरह से और भी नए नए ब्लॉग और रेसिपी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।